हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट प्रो। एम रश्मिकांत साहू। हम लोग आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कैसे ईवाई बिल बनाना है जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई होता है। ठीक है, तो उस केस में हमें ज़रूरत क्या है? यूजर आईडी पासवर्ड तो ऑब्वियसली ज़रूरत है, और उसको क्या है, जिस पर्सन को आप सप्लाई हो रहे हैं उसका डिटेल्स होनी चाहिए, स्पेशली क्या होनी चाहिए, उसका नाम, एड्रेस वगैरह, पिन कोड नंबर ज़रूरत है। पिन कोड नहीं होगा तो आपको इशू आएगा, तो इसके लिए आपको पिन कोड नंबर जिसको आप सप्लाई करो उसको पिन कोड नंबर उसका रखना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं कैसे कैसे करना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप फैक्ट प्रो वेबसाइट पे आएंगी तो आपको सारे कुछ लिंक दिया गया है। यहाँ पे आपको जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक किया, ओपन हो गया ई वे बिल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड, ये पहले से लॉग इन है, अगर मैं आपको दोबारा लॉग इन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन किया। लॉग इन करेंगे तो ये आपको कोई केस सेंसिटिव नहीं है, आप जो भी केस में डालेंगे आपका हो जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा कैश में, आपका ही लॉगिन हो गया। वो मांगेगा कभी पासवर्ड चेंज करना है, आपको ज़रूरत नहीं है, आप एग्जिट कर देना। कोई आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आना है, आपको नया बिल इशू करना है, नया ईयूए बिल। आप ईयूए बिल पे आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरेट न्यू बिल। ठीक है, मैंने न्यू बिल के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, आप आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आउटवर्ड इनवर्ड। आपको अगर किसी को मंगाना है किसी से, आप यहाँ पे इनवर्ड कर सकते हैं। आपको नॉर्मली आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो आउटवर्ड ये क्या है, सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क को आपको सप्लाई करना है। ये वेरियस यूज के लिए दे रहे हैं, आपको जो भी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे टैक्स इन्वॉइस हम इशू कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर होता है इन्वॉइस नंबर, आपको इन्वॉइस नंबर पता होनी चाहिए। जैसे इस केस में मेरा 41 है, मैंने दे दिया, ये रेगुलर है ट्रांजेक्शन टाइप मेरा। यहाँ पे क्या होता है, जो सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा है, कहाँ से इस बिल जा रहा है, बस आपका सप्लाई हो रहा है, वो डिटेल्स यहाँ पे दे रखा होगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका डिटेल्स जो है। आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं तो आप इसका नाम वगैरह, अगर जीएसटी नंबर होता तो मैं जीएसटी नंबर डाल देता, ऑटोमेटिकली इसका नाम आ जाता। अभी जीएसटी नंबर है नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन URP, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है URP अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे इसको नाम देना है, सप्लायर का नाम, जैसे इस केस में होता है, यहाँ पे है इस पर्सन का नाम है। ठीक है, तो कहाँ पे है स्टेट, आप स्टेट यहाँ पे डालेंगे, जैसे यहाँ पे ये झारखंड का है, तो झारखंड मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे एड्रेस डालना है, आपको पूरा एड्रेस आप देना है यहाँ पे। बाजार बोकारो स्टील सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे जरूरत है पिन, पिन आपको नहीं देंगे तो नहीं लेगा, तो ऑटोमेटिकली आप जो पिन डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाए। कभी कभी इश्यू होता है, कहीं कहीं नेट का इशू हो, कभी कभी बहुत सारे आपको नहीं मिलेगा, तो आप दोबारा रिप्लेस कर देंगे तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप जब यहाँ पे पिन नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आ रहा है। ये डिस्टेंस का क्या जरूरत है, डिस्टेंस के हिसाब से आपका वैलिडिटी भी होता है, कितने डिस्टेंस है उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, जो ड्यूरेशन उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम 10%। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना कर रहा हूँ, जैसे 441 मैक्सिमम में कितना 44 जोड़ सकता हूँ इसमें, मान लो मैं यहाँ पे क्या करते हैं 48, ये
डिपेंड करता है आपकी जरूरत के ऊपर। आपको अगर जरूरत है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका इतने किलोमीटर के अंदर है तो आप कुछ नहीं करना। तो ये आ गया। अगर मान लो यहाँ पे मैं कितना करता हूँ, 500 कर देता हूँ, ये लेगा नहीं। आप देखिए यहाँ पे जब आप करोगे तो एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 480, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मुझे अभी क्या करना है, डिटेल्स देना है मुझे क्या है? यहाँ पे ये झाड़ू का बिजनेस है इनका, तो यहाँ पे मैंने दे दिया। आपको और कुछ डिटेल्स उसके बारे में लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ दोबारा आप इस कॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका एचएसएन कोड है, एचएसएन कोड ध्यान रखना आपको जरूरत है, 9603। क्वांटिटी आप किस क्वांटिटी में, क्वांटिटी ये है 12 टन, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू आपका कितना है, जो भी आपका वैल्यू है तो आप यहाँ पे वैल्यू देंगे, जैसे 4,56,000 ठीक है। सेस वगैरह यहाँ पे ये यह जीरो रेटेड है तो जरूरत, टैक्स रेट यहाँ पे क्या है, जीरो है तो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप जीएसटी नंबर जब डालेंगे ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से आ जाएगा आपका टैक्स, जीएसटी टैक्स क्या है उसके ऊपर। तो और कुछ सामान नहीं है, एक ही था मेरा। तो और कुछ अदर अदर चार्जेस वगैरह कुछ, जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह इसमें जोड़ के आप लेते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नेम वगैरह आप डाल सकते हो, ट्रांसपोर्टर का नेम अगर है आपके पास, डिटेल्स नहीं है तो कोई इशू नहीं, व्हीकल नंबर ही व्हीकल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। बाय रोड अब जा रहा है, व्हीकल नंबर मेरा क्या है, यहाँ पे JH10B261, ठीक है। तो व्हीकल नंबर डालोगे तो ये आ गया, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्लास एज पर द वाहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गुड्स कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर आपको डालना है, अगर कुछ नहीं है तो आप जो आपका डॉक्यूमेंट है उसी का नंबर भी आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सारे हो गए आपका, ठीक है। अब क्या करना है, आप इसको आप एक बार दोबारा चेक करना है आपका सब कुछ सही है गलत है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपने डालना है, रेगुलर है इरेगुलर है आप डाल सकते हो, ये यहाँ पे सारे कुछ है। रेगुलर B2C आपको दूसरे और एक सेशन में आपको समझाएंगे और क्या क्या इसमें हो सकती है, जैसे और आपको चेक करना है इसके बारे में पूरा डिटेल्स देना है, इसका एड्रेस वगैरह ठीक है या नहीं है, और क्या करना है, पिन कोड आपको चेक करना है दोबारा, आपका जो सामान आप बेच रहे हो वो करेक्ट है नहीं है, उसका सारे कुछ यूनिट क्वांटिटी आपको चेक करना है। सब कुछ करेक्ट होने के बाद आप एक दोबारा अमाउंट भी चेक करना है, क्योंकि अमाउंट गलत होगा तो दोबारा आपको इश्यू होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4,56,000 मेरा है, ठीक है, मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे सबमिट करना है, ये दे रहे मैंडेटरी फिल नॉट पे, ठीक है। ये आता है बार बार ऐसे, कोई इशू नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, वैसे आता है कभी कभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट ले सकते हो, आपको क्या करना है पूरा डिटेल्स में प्रिंट लेना है, ठीक है। इतना भी प्रिंट जरूर कोई इशू नहीं होगा, अगर आपको डिटेल्स में प्रिंट लेना है डिटेल्स प्रिंट में जा सकते हो, ठीक है। कभी कभी ये क्या होता है, आपको ये नंबर ना कहीं ध्यान लिख देना चाहिए, कभी कभी हट जाता है तो वो भी फाइंड आउट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। मैं अभी इसको प्रिंट कर दिया पीडीएफ में, डेस्कटॉप में लगा दिया, चेक के मैंने लिख दिया झारखंड को ये सेल हो रहा है, तो चेक के मैंने, तो मेरे हिसाब से मुझे याद रखने के लिए मैंने कर दिया इसको, ओके। ये मेरा फिनिश, आपको क्या करना है, अभी आपको एक बार चेक कर देना, एक बार आप चेक कर दो कितने, देखिए आप वैलिडिटी कब से कब तक है, 31 मई 2022, 2020। तो मैंने ये 26 तारीख को बनाया था, ये लगभग 5 दिन का वैलिडिटी है। तो और सारे चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है, अगर गलती कहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, लॉग आउट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं गया बस फॉर मैसेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ।